अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम अपनी नई क्लास के नए काम का आगाज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से। इन ऑर्डर टू नो अबाउट फैक्टराइजेशन वी विल गेट अ फ्लैशबैक। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 is 6, so 2 and 3 are called factors of 6. Similarly, the product of 3 and 5 is 15. Here, 3 and 5 are the factors of 15. अब अगर कोई हमें कहे कि 6 के factors 2, 3 ना दिया हो और हमें कहे कि 6 के factors find करें, तो ये काम भी आप जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं, आप लोगों ने ये काम सीखा हुआ है, फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ 6। तो आप इस तरह करते थे, 6 2 3 are 6 3 1 are 3, और फिर लिखते भी इस तरह थे कि 6 को पहले लिखकर फिर इसके फैक्टर्स लिखते थे 2 3 are। इसी तरह फाइंडिंग फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ 15, तो इसका भी यही मेथड था। प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, सबसे छोटे नंबर से, 2 से तो 15 डिवाइड नहीं होता, 3 से हुआ, 3 5s are 15, और फिर 5 1s are 5, सो 15 इज इक्वल टू 3 5 3 और 5 इसके फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है और फैक्टराइजेशन है, बोथ आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टराइजेशन आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। एक्चुअली फैक्टराइजेशन मीन्स means to write a number as the product of 2 or more than 2 prime number. In algebra, factorization means to write an algebraic expression Factorization means to write an expression as the product of 2 or more than 2 simpler algebraic expressions. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। लेकिन किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वापस फैक्टर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमें कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर्स फाइंड करें। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फाइंड करें, तो हमें नहीं आता, हमें इसका कोई मेथड नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। हमें ये नहीं पता कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किन चीज़ों का प्रोडक्ट है, हमें उसके वो एक्चुअल फैक्टर्स नहीं पता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टर्स फाइंड करना, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये नंबर्स तो नहीं होते कि हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसके लिए ये डिपेंड करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स पर, हर जगह एक ही तरीका अप्लाई नहीं होगा, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन को देखना पड़ेगा, उसकी टाइप को देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन के कई